हाय, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा लेसन है लर्न गिटार उर्दू का। अब तक के हमने क्या सीखा? हमने थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस की हैं, हमने कॉर्ड्स के बारे में जाना है, हमने थ्योरी, म्यूजिक थ्योरी देखी है जिसमें मेजर स्केल देखा है और मेजर स्केल से निकलने वाले कॉर्ड्स देखे, और अब हमें ये पता है कि हमारे पास 12 नोट्स हैं और हमारे पास कॉर्ड्स हैं जिनमें मेजर भी हैं और माइनर भी हैं। ठीक है, और सबसे पहला हमने अपना कॉर्ड सीखा वो था ई माइनर, और साथ में हमने एक स्ट्रमिंग सीखी। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले सेकंड कॉर्ड, वो है डी मेजर। तो ये डी मेजर कैसे पकड़ना है? मैं अपने फर्स्ट फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग पे रखना है सेकंड फ्रेट के, और हमें अपनी मिडिल फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना है सेकेंड फ्रेट के। ठीक है, तो इन दोनों को यूं बीच में इसको छोड़ के इन दोनों को ये पकड़ना है, और फिर ये हमारी जो रिंग फिंगर है उसे हमें रखना है थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे। तो ये कुछ यूं शेप होगा, और इसे हम पीछे से यूं कवर दे सकते हैं, यूं कवर दे सकते हैं। तो ये इसे होल्ड करने का तरीका है डी मेजर को। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा। तो इसका साउंड प्रॉपर आना चाहिए सब अगर साथ में प्रेस होंगे। तो ये हमारा सेकंड कॉर्ड है डी मेजर, साथ में सेम स्ट्रमिंग करेंगे। तो अब हमें दो कॉर्ड्स आ गए, ई माइनर और डी मेजर। साथ में स्ट्रेचिंग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग अभी तक हमने क्या क्या सीखी थी, अब हम ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कि 1 से 7 फ्रेट तक के जाएंगे हर लेवल के ऊपर। तो ये किस तरह से होगा? तो इससे ये होगा कि हम हर लेवल भी नीचे जा रहे हैं और हम आगे भी जा रहे हैं, फ्रेट्स पे भी आगे जा रहे हैं। तो इससे हमारी उंगलियों में और ज़्यादा दर्द होगा, और स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी, और हमारी उंगलियां खुलेंगी, और बेहतर से हमें प्ले करना है कल को जब हम लीड्स प्ले करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो अब हमें दो कॉर्ड्स आते हैं, ई माइनर और डी मेजर। ठीक है, और हमें एक स्ट्रमिंग आती है, और हमने स्ट्रेचिंग की थोड़ी सी एक्सरसाइज देख ली। अब टाइम है हमारे पास एक न्यू स्ट्रमिंग सीखने का। जो स्ट्रमिंग बॉलीवुड के या पाकिस्तानी इंडियन गानों में बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो वो क्या है? ये है डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप। ये जो डाउन अप था ये है फिलर, सिर्फ स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप 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 डाउन, सिर्फ ये स्ट्रमिंग है। तो ये क्या है? डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। ठीक है, इसे और स्लो करके देखते हैं, डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। अच्छा, देखिए जो भी स्ट्रमिंग में आप लोगों को बताता हूँ उसे साथ में गिटार उठा के प्ले किया करें, ताकि आप लोग अपने जहन में उसे जहन नशीन कर लें, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये इसका साउंड किस तरह से प्ले होगा, कहाँ पे कितना गैप आ रहा है स्ट्रमिंग में। जैसे थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे तो बीच में फिलर भी ऐड करें, दो के बीच में एक डाउन अप। तो ये हो जाएगा डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन। इसे थोड़ा और स्लो प्ले करते हैं ताकि प्रॉपर समझ आए। डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप। इसी प्रॉपर स्ट्रमिंग को पक्का करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले स्लो स्लो प्ले करें, जब वो परफेक्ट होने लगे तब आप उसे फास्ट लेके आए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जैसे ये थोड़ा अच्छा हो जाए तब आप तो
ये हमें दो कॉर्ड्स प्ले करना आ गए, दो स्ट्रमिंग्स प्ले करना आ गए, ठीक है, ई माइनर डी मेजर, दो स्ट्रमिंग्स है, एक स्ट्रमिंग ये है, सेकंड स्ट्रमिंग डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। अब ये जो चीज है जो मैं ई से डायरेक्ट डी पे गया, स्ट्रमिंग भी नहीं रुकी और फ्लो में डायरेक्ट गया हूँ, तो ये होती है शिफ्टिंग, जिसमें लगी का टाइम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है शिफ्टिंग पे, ये कि हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे ई से डी पे, और ये किसी भी कॉर्ड से किसी भी कॉर्ड में जो हमें आती हो। तो शिफ्टिंग में लगता है टाइम, जब तक कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने स्लो स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने स्टडी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथ आपका फ्लो में होना चाहिए बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छे से स्ट्रमिंग आनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रमिंग चल रही हो, कुछ आगे पीछे ना हो रहा हो, प्रॉपर कॉर्ड प्ले हो रहा हो, ठीक है, तो हमें अच्छे से स्ट्रमिंग आ जाएगी। तो अब तक के लिए आज की क्लास में सिर्फ इतना है कि आपने स्ट्रेचिंग करनी है, फिंगर स्ट्रेचिंग फ्रेट्स के साथ और लेवल्स के साथ, साथ में आपको डी मेजर एक न्यू कॉर्ड आपको पता लगा, डी मेजर किस तरह से प्ले करना है ये पता लगा, एक न्यू स्ट्रमिंग पता लगी 4/4 की, कि वो स्ट्रमिंग किस तरह से काम करती है और वो किस तरह से हमारे सॉन्ग पे प्ले होती है।